भारे या तानाजी? मुझे क्यों ठगा जा रहा, जनता को ठगा जा रहा है। वो बीजेपी का सरकार था, उसमें ये चाहते थे कि इनका लीडिंग हो जाएगा, इस कारण से कोई उद्घाटन नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। इन्होंने अभी नया रोजगार का कोई इजाद नहीं किया है, कोई वैकेंसी नहीं निकाला है, और पुराने आंकड़ा को लेकर के जनता को आंख में धूल झोंकना चाहते हैं कि आप डबल फीता लगवाते हैं, डबल कैंची से भी उद्घाटन करते हैं। आप पर पूरा सरासर उम्र का असर दिख रहा है। तमाम युवाओं को संभल जाना चाहिए, तेजस्वी यादव कभी भला नहीं कर सकता है। जिस नियुक्ति पत्र का जब आप मंत्री थे तो उसी समय आपने 2 अगस्त को बांट दिया था, लेकिन अब यह नियुक्ति पत्र महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव फिर से बांट रहे हैं, क्या नहीं लगता है आपको ठगा जा रहा है? भारे या तानाजी? मुझे क्यों ठगा जा रहा है, जनता को ठगा जा रहा है, बिहार की जनता को ठगा जा रहा है, और ये बहुत ही भारी विडंबना है। यही मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे विभाग के अनेकों चीज जो सेंक्शन मैंने कर दिया, काम कर दिया, जैसे सर्वे का खतियान बन के तैयार, आज तक वितरण नहीं किए, आपको नक्शा डिलीवर करने का था जो अभी 10 दिन पहले किए हैं। यानी जो बीजेपी का सरकार था उसमें ये चाहते थे कि इनका लीडिंग हो जाएगा, इस कारण से कोई उद्घाटन नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। और 4325 कर्मचारी की जो बात आपने पूछा है, इसकी नियुक्ति, इसका पोस्टिंग, इसका नियुक्ति पत्र, सारा चीज़ 2 अगस्त को ही हो गया, और तमाम जिले में जिलाधिकारी ने इसका नियुक्ति पत्र भी दिया है, और हमारे नए नवनियुक्त कर्मचारी अपने अपने प्रखंड में जाके अपने अपने पंचायत में हल्का में काम भी कर रहे हैं। लगभग 2.25 महीना हो चुका है, और दोबारा इसको जनता को झूठा आंकड़ा दे करके अपनी वाहवाही लुटाने के लिए, युवाओं को ठगने के लिए, जो 10,000 रोजगार की बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी नया रोजगार का कोई इजाद नहीं किया है, कोई वैकेंसी नहीं निकाला है, और पुराने आंकड़ा को लेकर के जनता को आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। क्या लगता है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है? 100% बिहार की जनता को, युवाओं को तो खास करके गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि युवा हैं तेजस्वी यादव, और कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र जिसका मिल चुका है, जिसकी बहाली हो चुकी है, जिसका नौकरी ज्वाइनिंग हो चुका है, हल्का मिल चुका है, उसका नियुक्ति पत्र बट रहा है। ये क्या करना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? आप कहाँ चले गए? आप पर पूरा सरासर उम्र का असर दिख रहा है कि आप डबल फीता लगवाते हैं, डबल कैंची से भी उद्घाटन करते हैं, क्या इसमें भी आप यही काम करेंगे क्या? जो काम हो चुका है उसी को कर रहे हैं। मान लीजिए तेजस्वी यादव युवा हैं, समझ में कमी रह गया होगा, लेकिन आप तो समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपको तो समझना चाहिए कि सारा काम हो चुका है। कैसे आपके विभाग के पदाधिकारी हैं जो आपको सुझाव दे रहे हैं, कैसे आपके सलाहकार लोग हैं जो जो काम हो चुका है उस काम को दोबारा आप कर रहे हैं? तो बिहार के तमाम युवा जो हैं आज पीढ़ी दर पीढ़ी इस टाइप से, तमाम युवाओं को संभल जाना चाहिए, तेजस्वी यादव कभी भला नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव आपको एक उदाहरण दिया हूँ, एक बड़ा उदाहरण दिया हूँ, जो आज नियुक्ति पत्र और 10 लाख का आंकड़ा जो पूरा करना चाहते हैं वो झूठा वादा है। ये पहले आंकड़ा NDA की सरकार में जा चुकी है, बहाली हो चुकी है, नियुक्ति हो चुकी है, लोग अपने अपने हल्का पंचायत में काम भी कर रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।